आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर का एक सेक्शन हल करेंगे। ये पेपर हुआ था 13/9/2015 को और यहाँ पर इस वीडियो में आपको इसके मैथ के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसके जो बाकी के पार्ट हैं उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जा करके आप इस टेस्ट की पूरी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर इस वीडियो में केवल आपको मैथ के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। शुरू करते हैं। आपको करना ये होगा कि एक क्वेश्चन देखने के बाद आपको चार विकल्प भी दिखेंगे। आपको अपना जो क्वेश्चन है हल करना है और हमसे पहले अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में यदि A 90 डिग्री है और जो भुजा A है ये 25 सेंटीमीटर है, B बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो tan B का मान बताइए। देखिए ये एग्जाम 2015 में हुआ था, तो आज के हिसाब से अगर लेवल देखा जाए तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसका त्रिभुज कुछ आप इस तरह बना सकते हैं। कहा गया है कि कोण A है ये 90 डिग्री है, यानी कि यही A होगा, और जब ये होगा तो इसके सामने वाली भुजा A हो जाएगी जो कि है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे कहा गया है B के बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, तो B को हम इसको मान लेते हैं, और जब B हम इसको मानेंगे तो ये भुजा B हो जाएगी और इसकी लंबाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। AB तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, C। अब अगर आप देखेंगे तो जब समकोण त्रिभुज होता है तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो अगर आप इस हिसाब से काउंट करेंगे तो ये होगा अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब 25 का होता है 625, 7 का होता है 49, अगर आप घटाएंगे तो हो जाएगा 576, और अंडर रूट 576 का मतलब होता है 24, यानी कि यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गया कि ये 24 होगा। इस तरह निकालने से बढ़िया है कि अगर आपको ट्रिपलेट वाला रूल याद होगा तो आप आसानी से डायरेक्ट वहाँ पे हल कर सकते हैं। अब पूछा गया है कि tan B का मान बताइए, तो tan बराबर होता क्या है पहले तो आप ये जानिए। तो tan बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। अगर हम बात करें B की तो tan B यानी कि B के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 7 और आधार कौन हो जाएगा, तो 24, यानी कि उत्तर होगा 7/24। ऑप्शन देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा। तो इस तरह ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगला देखते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है। 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है, प्रत्येक प्रेक्षण को 2 गुना किया जाता है, तो मानक विचलन का मान क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा है, आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा। देखिए एक तो डायरेक्ट आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि जब मानक विचलन 8 है और प्रत्येक प्रेक्षण में 2 गुना किया गया है, यानी कि जो मानक विचलन होगा उसमें भी 2 गुना हो जाएगा, तो सीधे सीधे आप बता सकते थे कि 8 गुना के हो गया 16, ठीक है, आप इस तरह बता सकते थे। अगर आप फार्मूला से लगाना चाहेंगे तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपान एन। अब यहाँ पे जो एक्स होता है, एक्स का मान क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि आप कहिए कि माध्य। एन का मतलब क्या है, प्रेक्षणों की संख्या। अगर आप फार्मूला से लगाते हैं तो प्रेक्षणों की संख्या। अब यहाँ पे दिया गया है मानक विचलन, यानी इसका मान दिया जा चुका है कितना, 8। अब 8 और हर मानक विचलन में 2 से गुणा किया गया है, यानी कि कर देंगे 2, तो इस तरह हो जाएगा 16। वैसे अगर आप डायरेक्ट ही हल करेंगे तो आपके लिए भी काफ़ी आसान होगा। यहाँ पे देखिए एक नंबर दिया गया है और आपको बताना है कि x का मान क्या रखें कि इस जो आंकड़ा दिया गया है इसका बहुलक 27 हो जाए। बहुलक मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 25 को देखेंगे तो ये 3 बार आया है, 26 को देखेंगे तो ये भी 3 बार आया है,
27 को देखेंगे तो ये भी 3 बार आया हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं कि 27 ही बहुलक हो तो इससे क्या होना चाहिए कि इस 3 से अधिक ही आना चाहिए, मतलब सबसे अधिक आना चाहिए। तो अभी तक 3 आया है और अगर एक और 27 होता तो जो 27 की वैल्यू है ये 4 हो जाती है और जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वही बहुलक होता है, यानी कि इस एक्स के जगह पे हमको रखना पड़ेगा 27। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि 60 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 के अनुपात में है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 के अनुपात में हो जाए। अब देखिए पूरा 60 लीटर है, इसका जो अनुपात है ये 2:1 के अनुपात में है, यानी कि 2 मतलब कि 40, 1 मतलब कि 20, ये हो जाएगा आपका एसिड, ये हो जाएगा आपका वाटर। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसी में आपको मिलाना है, इसको स्थिर रखना है कि जो पहला वाला है ये नीचे वाले का दोगुना हो जाए, ठीक है, मतलब ये दोगुना हो जाए, इसके 2 का वैल्यू आ जाए। तो अब क्या करेंगे, अब इसको तो आपको स्थिर ही रखना है लेकिन जो नीचे वाला है इसको इस 40 के दोगुने पे लाना होगा, तभी तो 1:2 का होगा। तो 40 का दोगुना होता है 80, यानी कि इस 20 को बनाना है 80, कितना जोड़ेंगे 60 जोड़ेंगे, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 60 लीटर, आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अगर आप इस तरह लिखेंगे एसिड अपान वाटर, तब इसका जो अनुपात है 1:2 के अनुपात में आ गया है जो कि क्वेश्चन में कहा गया था। 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल बताना है। पहले आप माध्य निकालिए फिर माध्यिका निकालिए। तो देखिए इसके लिए कुछ भी निकालना है आपको तो आपको एक क्रम में करना होता है, या तो आप आरोही करिए मतलब बढ़ते हुए, या फिर आप अवरोही कर दीजिए घटते हुए। तो इसे हम बढ़ते हुए क्रम में करते हैं, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा और फिर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे आंकड़ों को हम देखेंगे कि इनके कितने नंबर हैं, तो ये कुल मिलाकर के 5 संख्याएं हैं। तो जब विषम कोई भी नंबर होता है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, n+1/2, ठीक है, यानी कि कुल मिला के कितने नंबर है 5। तो यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 × 6/2, यानी कि जो माध्यिका होगी ये तीसरा वाला होगा। तीसरा कौन है, तो 3 है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा है, यानी माध्यिका आपको पता चल गई कितना 3। अब क्या निकालना है, आपको निकालना है माध्य। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, सभी को जोड़ दीजिए और उसके बाद 5 से भाग दीजिए, 3 × 5 × 1 = 6, 6 × 12 = 8, 20, 20/5 यानी कि आपका आ गया 4। अब कहा गया था कि इन दोनों का योगफल बताना है, तो माध्य है 4, माध्यिका है 3, 4 × 3 होता है 7, यानी कि आपका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको अपना उत्तर हमसे पहले कमेंट करके बताना होगा, तभी आपका ये वीडियो देखना फायदेमंद होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेज है, एक महिला एक लड़के से दोगुनी तेज है, यदि वे सभी मतलब कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं तो अकेले लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, ठीक है, बताइए। अगर हम मान लें कोई काम और मान लेते हैं कि जो पुरुष है, केवल हम मान रहे हैं पुरुष उस काम को 2 दिन में करता है, तो उस हिसाब से जो महिला होगी वो उस काम को कितने दिन में करेगी, वुमेन, वो उसको करेगी 4 दिन में। 4 दिन में क्यों करेगी, क्योंकि महिला से जो पुरुष है ये दोगुना तेज है, ठीक है, या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि पुरुष 1 दिन में 10 कुर्सी बनाता है, इसको 20 करिए, पुरुष 1 दिन में अगर 20 कुर्सी बनाएगा तो महिला 1 ही दिन में कितनी कुर्सी बनाएगी, 10 बनाएगी, और एक लड़का कितना बनाएगा, लड़का बनाएगा 5 कुर्सी। अब देखिए इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो पुरुष है ये महिला से दोगुना है, जो महिला है वो लड़के से दोगुनी है, ठीक है, ये लोग इतनी इतनी कुर्सी 1 दिन में बनाते हैं। अब ये मिल करके काम करते हैं, तो मिल करके काम करेंगे तो 20, 10, 30, 5, 35,
एक दिन में कितनी कुर्सी बना देंगे? 35। जब ये लोग मिल करके एक दिन में 35 कुर्सी बना देंगे तो कुल मिला के 4 दिन काम करते हैं तो हो जाएगा आपका 140। ठीक है, कुल मिलाकर के ये लोग 4 दिन में कितनी कुर्सी बना देंगे? 140। अब कहा गया है कि अगर लड़का को ही केवल ये काम करना होता तो लड़का कितने दिन में कर देता। ठीक है, तो अगर केवल लड़के को ही करना होता तो लड़का एक दिन में कितना कर रहा है? 5 कर रहा है। टोटल 140 कुर्सियाँ हैं तो 5 से भाग दे देंगे, 5 दुना के 10 और 5 और 8 40, आपका उत्तर आ गया 28 दिन। तो इस तरह भी आप लगा सकते थे। मान लीजिए, कुछ भी मानिए, जो भी आप मानेंगे, जो महिला है उसका आधा कर देंगे, जो लड़का है उसका और आधा कर देंगे। तो ये काम है, मतलब ये पुरुष एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है तो महिला 10 बनाएगी, लड़का 5 बनाएगा, तीनों को जोड़ दिए तो एक दिन में ये लोग 35 कुर्सी बनाएंगे। चूँकि ये लोग 4 दिन काम करते हैं यानी कि ये 4 दिन में 140 कुर्सी बना देंगे। उस हिसाब से जब 140 कुर्सी केवल लड़के को बनाने को कह दिया जाएगा तो लड़के से भाग दे देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप कुछ भी माने होते तो आपका उत्तर आ जाता 200 400, कुछ भी। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अवकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं, बताइए आपका उत्तर क्या होगा। देखिए, जब भी हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालते हैं तो हम मानते हैं क्या? मानते हैं कि जो वर्गों का वर्ग है अंकों पर केंद्रित है। यह आपको बारंबारता वाले चैप्टर में मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन के द्वारा, 17/22 भाग कार के द्वारा तथा जो शेष 1 किलोमीटर की दूरी बच जाती है उसको पैदल तय करता है, बताइए वह कितनी दूर चलता है? देखिए, 1 किलोमीटर वो पैदल जा रहा है, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं इस तरह, इसको कई तरीके हैं लगाने के, अगर आप चाहें तो x मान के लगा सकते हैं और चाहे तो कुछ मान के भी लगा सकते हैं। नीचे 11 है और नीचे 22 है, यानी कि जो भी आपका उत्तर आएगा उसका जो नीचे, मतलब कि उसका जो मान होगा वो या तो 22 से भी भाग चला जाता होगा उसमें और 11 से भी, क्योंकि यहाँ पे जो भी विकल्प दिए गए हैं कहीं पर भी दशमलव नहीं है, यानी कि कोई ऐसी संख्या होगी जिसमें 11 से भी भाग चला जाए और 22 से भी। तो इसमें 11 से चला जाएगा लेकिन 22 से नहीं जाएगा, यानी कि ये तो उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो किसी से भी नहीं जाएगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों से चला जाएगा और इसमें किसी से भी नहीं जाएगा। तो इस आधार पर भी आप ऑप्शन नंबर सी को मार करके आगे जा सकते थे। रही बात लगाने की, तो आप इसी ऑप्शन को भी लेके लगा लीजिए। जैसे आपको पता चल गया कि 3 ऑप्शन के होने की संभावना नहीं है, केवल हमको एक ऑप्शन को चेक करना है, तो मान लेते हैं कि यही उत्तर है। अब कह रहा है कि यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन से, यानी कि अगर हम मान लें कि 22 ही सही होगा तो इसका 2/11 भाग कितना होगा? तो इसका 2/11 होगा 4 किलोमीटर, यानी कि वो 4 किलोमीटर ट्रेन से यात्रा करता है। फिर कह रहा है कि उसका 17/22 भाग कार के द्वारा, यानी कि हम माने हैं 22 और इसका 17/22 भाग, 22 से 22 कट गया, ये हो गया 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर कार के द्वारा, 4 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा, यानी 17 और 4 हो गया 21, बच गया कितना? 1 किलोमीटर, जो कि वो पैदल जाता है। तो आपके जो सारे समीकरण थे वो बन गए हैं, यानी कि आपका सही उत्तर होगा 22 किलोमीटर। तो इस तरह आप एक आसान प्रक्रिया के द्वारा लगा के आगे बढ़ पाएंगे। यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर का परसेंटेज क्या होगा? मतलब कि एक महीने का ब्याज कितना लगता है आपका? 1 पैसा, कितने पर? 1 रुपया पर। तो यहाँ लिखिए कि 1 महीने का ब्याज 1 पैसा, तो अब बताइए 12 महीने का कितना हो जाएगा? 12 पैसा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 1 महीने का 1 पैसा तो 12 महीने का 12 पैसा। लेकिन रुपया कितना लेना है? तो यहाँ पर भी 1 ही रुपया था और यहाँ पर भी 1 ही रुपया है। अब 1 रुपया में कितना पैसा होता है? यही आपका मूलधन हो जाएगा, यानी कि मूलधन बराबर हो गया 100 पैसा। यानी 100 पैसा को अगर आप 12 महीने के लिए लगा दें तो आपको 12 पैसे का ब्याज मिलेगा। कहने का तो यही मतलब था। अब फार्मूला क्या होता है कि ब्याज बराबर है, यानी कि 12 बराबर है मूलधन
जो कि है 100, रेट नहीं पता है, और उसके बाद जो ईयर है मतलब समय है वो एक है, 12 महीना मतलब एक ही साल तो हुआ, और बटे 100 जो कि फार्मूला में होता है, इससे ये कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आ गई 12%, जो कि पहला वाला विकल्प होगा। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% में अपनी दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगा? साधारण ब्याज है, 10 साल में दोगुनी हो जाती है। मान लीजिए कि 5,000 रुपया आप लगाए हैं 10 साल में, रेट नहीं पता है, फार्मूला ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और आपका ब्याज कितना आना चाहिए? 5,000 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई धनराशि में 5,000 का है और 5,000 फायदा ब्याज आ जाएगा तो कुल मिला के 10,000 हो जाएगा, यानी कि वो धनराशि क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी। देखिए 5,000 से 5,000 कट गया, 10 से 10 कट गया, आर बराबर हो गया 10%। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आप ज़्यादा इधर का उधर करेंगे तो गड़बड़ होगा। कुछ भी मान के यहाँ पे पी मान के आप लगा सकते थे, मूलधन पी है 10 गुणे आर बटा 100, और चूंकि हमको ब्याज भी पी ही मिलना चाहिए, क्योंकि जब पी ही मिलेगा तभी हम इसको दोगुना कर पाएंगे, तभी वो दोगुना हो पाएगा, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, आर बराबर है 10%। तो इस तरह बड़ा आसान है। किसी संख्या को 8% बढ़ाने पर और 3% से घटाने पर प्राप्त संख्याओं के बीच 407 का अंतर है, तो आपको बता देना है कि मूल संख्या क्या है। देखिए कह रहा है कि अगर उसको हम 8% बढ़ा दें, ठीक है, 8% क्या कर दें, बढ़ा दें, और 3% घटा दें, मतलब घटाना मतलब माइनस ही होता है ना, 3% घटाने से, एक बार घटाने का मतलब है मतलब उसको 3% की हानि हुई है, यानी कि -3। अब कह रहा है कि अगर इन लोगों को आपस में घटाया जाए तो इनका अंतर आता है 407। अब ये जो अंतर है ना, इसका मतलब है फिर से घटाना, एक बार 8% लाभ, एक बार 3% हानि, लेकिन अब इन दोनों को घटाना है, तो ये है +8, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा +3, यानी कि हो गया 11। अब किसी भी संख्या का 11% कितना है? 407 है, यानी वो संख्या क्या होगी? तो संख्या होगी 407 गुणे 100 बटा 11। अगर आप 11 से इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 11 3 33 और 11 7 77, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 3700, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसमें जो ये पॉइंट है यही आपको समझना है कि जो ये 3% घटाना का शब्द दो बार आया है, पहली बार ये जो घटाना आया है उसके लिए ये वाला माइनस लगाए हैं, दूसरी बार ये वाला जो घटाना आया है उसके लिए ये वाला माइनस लगाए हैं। अगर यहीं पे कहा गया होता कि इन दोनों को ऐड करने पर, तो यहाँ पर हम ऐड कर देते और जो कि 5 आता, लेकिन यहाँ पे ये जुड़ जाएगा क्योंकि उल्टा हो रहा है। यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? ठीक है, बताइए, लगाइए आप भी, क्योंकि जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है, और ये तो उस समय का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। वृत्त की परिधि मतलब कि 2πr, व्यास मतलब कि 2r, कितना है? इतना। अब तो ये काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि आपको r की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप r की वैल्यू निकाल देंगे तो उसका दोगुना कर देंगे तो ब्याज का मतलब आ जाएगा। यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको कॉमन ले लें, ये 2r कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया π-1 और ये 18.6, तो 2r बराबर हो गया 22/7-1 बराबर है 18.6। अब ये 7 यहाँ जाएगा, इसमें से घट जाएगा, हो जाएगा 15/7, और ये जो 7 है इसमें चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, 15 से भाग हो जाएगी, बस यही आपका उत्तर आ जाएगा। जो भी होगा आप खुद हल करिए, हल करके बताइए कितना होगा।
यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और LCM का मान क्रमशः 12 और 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो बताइए कि संख्याओं का योगफल अगर हम करेंगे तो कितना होगा। देखिए, 100 कितना है, 12 है, यानी कि जो भी संख्याएं होंगी वो 12 के गुणनफल होगी। मान लेते हैं कि संख्या है 12A और 12B। 100 12 है यानी कि 12 तो दोनों में कॉमन होगा, और जब कॉमन होगा तो एक संख्या को हम 12A माने हैं, दूसरी संख्या को हम 12B माने हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो उसके लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि 12A गुणे 12B बराबर 12 गुणे 2448। अब इस 12 से ये 12 कट गया, इस 12 से आप कटाएंगे तो 12 दुना के 24 और 12 चौक 48, यानी कि ए बी बराबर हो गया 204। ठीक है, जब ए बी बराबर आ गया 204, और अगर आप आगे जाएंगे तो कहा गया है कि इन संख्याओं का अंतर 60 है, यानी कि 12A माइनस 12B बराबर कितना है, 60 है। 12 कॉमन ले लीजिए, A माइनस B बराबर 60 है, यानी कि A माइनस B बराबर 5 है। A माइनस B का मान आ गया 5, AB का मान आ गया 204। अब तो कई सारे फार्मूले हैं जिन पे आप इनको रख करके आसानी से हल कर सकते हैं, जैसे कि एक ये फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। अब अगर आप यहाँ पे रखेंगे 5 को तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे रहने दें तो आपका हो जाएगा माइनस 2 गुणे 204, यानी कि हो जाएगा 408। और 408 जब इधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, 408 धन 25 बराबर है, ये हो गया 3 और ये हो गया 3, ये 433। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 433। अब फिर से अगर आप चाहें तो इसको रख करके वहाँ पे हल कर सकते हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, यहाँ पे आपको रख देना है 433 और धन 2AB का मान है 204, यानी कि हो जाएगा 408। अब 433 और 408 यानी कि हो जाएगा 841। अंडर रूट 841 मतलब जो ये पावर है इसको हम इधर ले गए तो ये आ गया आपका 29, यानी कि ए प्लस बी का मान आ गया 29। और जब ए प्लस बी का मान आ गया 29 तो कहा गया है कि संख्याओं का योगफल बताइए। अब संख्याओं में 12 से आप गुणा कर देंगे, यही आपका उत्तर आ जाएगा, हो जाएगा 348। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन पूरा विस्तार में है। अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा तो इसके इससे आसान कोई भी और फार्मूला नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदता है, उन्हें 1 रुपए 25 पैसे प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तो आपको बताना है लाभ। 8 रुपए में 10 खरीदा है, ठीक है, तो कितना रुपए पड़ा, पहले तो आप ये जान लीजिए। तो एक वस्तु का पड़ा उसको 80 पैसे, ठीक है, 80 पैसे में खरीदा है, 1.25 में बेचेगा, कितना लाभ कमा रहा है, तो 45 पैसे। कितना पैसा वो खर्च किया था, 80 पैसे और गुणे 100, बस 20 5 100, 20 4 80, और बस यही आपका 45 × 5/4 उत्तर आ जाएगा। अगर आप इसको हल करेंगे तो हो जाएगा ये 225/4 यानी कि 56 1/4 पहला वाला उत्तर होगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का जो परिमाप है ये 28 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो मेज के विकर्ण को आपको बता देना है कि विकर्ण कितना होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बताइए। पहले उसका परिमाप दिया है यानी कि 2A प्लस B बराबर दे दिया है 28,
यानी कि अगर हम ए प्लस बी कर लें तो हो जाएगा 14। अब इसका क्षेत्रफल दिया है यानी कि ए इंटू बी बराबर दिया है 48। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 14, ए इंटू बी बराबर 48। तो अब कह रहा है कि बता दीजिए कि ए और बी का पहले आपको अलग अलग मान निकालना पड़ेगा। अगर आप इसको सोचें तो सोच के भी लगा सकते हैं कि क्या दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 14 हो रहा है और गुणा करने पर 48। तो सोचिए, सोच के आप लगा सकते हैं। अगर आप ए की वैल्यू 6 रखें, बी की वैल्यू 8 रखें तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। यानी कि आप इस तरह सोच के भी लगा सकते हैं कि ए की वैल्यू या तो 6 होगी या फिर 8 होगी, बी की वैल्यू या तो 8 होगी नहीं तो 6 होगी। अब इनका विकर्ण बताना था। अब देखिए, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, अब इसी को बता देना है। तो ये तो काफ़ी आसान हो गया क्योंकि ये ट्रिपलेट है, 6 अगर 8 होता है तो ये आसानी से 10 हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर है। तो अगर आप चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जा करके a और b का मान निकाल सकते थे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो इसको लगा लेंगे। आपको ये करना है कि पहले 12 और 2 करना है, 12 और 2 14 हो गया, लेकिन 12 दुना के 48 नहीं होता है। आपका करना है 11 और 3 करना है, 11 और 3 14 तो हो रहा है, लेकिन 11 33 होगा, 48 नहीं हो गया। अब इसको आपको करना है 10 और 4, 10 4 पे नहीं होगा, 8 6 पे हो जाएगा, और इसी तरह आप आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा दिमाग चलाएंगे तो कलम को कम चलाना पड़ेगा। बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई गई है, बजट में फिर 10% घटाई जाती है, तो कार की कीमत में कुल कितनी वृद्धि हुई? 100 रुपये की कार थी, मतलब 100 रुपये की तो नहीं होगी, लेकिन मान लेते हैं कि 100 रुपये की कार है, 30% बढ़ाई गई, यानी कि अब उसका वैल्यू हो जाएगा, मतलब मूल्य हो जाएगा 130 रुपये। लेकिन जब बजट आया तो जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कार वाले क्षेत्र को राहत दे दिया, तब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम 10% घटा देंगे अब। तो अब इसका ये लोग 10% घटाएंगे, इसका तो 10% घटाएंगे नहीं क्योंकि जो बढ़ गया वो बढ़ गया। तो अब इसका 10% कितना होगा? इसका 10% होगा 13, और जब 130 में से 13 घटा देंगे तो हो जाएगा 117। यानी कि बजट से पहले जो कार 100 रुपये की बिकती थी, 10% घटाने के बाद भी वो कार कितने की बिक रही है? अब कहा जा रहा है कि बताइए कि कार की कीमत में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो ये होगा 17%। हालांकि अगर आप विकल्प पे गौर करेंगे तो कोई विकल्प नहीं है, यानी कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है। जो हल करने का तरीका था बिल्कुल सही था, लेकिन गलती यहाँ से हुई है, 10% बढ़ाना था लेकिन हमने 10% घटा दिया। अब चलिए यहाँ से फिर से हम इसे लगा लेते हैं। इस तरह जब आपसे घटाने वाला भी पूछेगा तो आप हल कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, 100 रुपये की कार थी, 30% बढ़ाया गया, 130 रुपये हो गया। फिर बजट के बाद कार वाला सेक्टर का बजट टाइट हो जाता है, यानी कि ये लोग कहते हैं कि 10% और बढ़ाएंगे, तो इसका 10% बढ़ेगा, इसका 10% बढ़ेगा, यानी कि 13 रुपये बढ़ेगा। तो 13 रुपये बढ़ेगा, तो पहले 130 था, 13 बढ़ गया तो 143 हो गया। बजट से पहले ये 100 रुपये की बिक रही थी, अब 143 की बिकने लगी, कितना बढ़ गया? 43 रुपये। तो कितना आसान है, इस तरह बड़े आसानी से लगा पाएंगे। एक त्रिभुज का परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है उसके हिसाब से जो भुजाओं का योग है यानी कि परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो बड़ी भुजा है ये 13 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं कि यही वाली 13 है, यानी कि अगर इसको हम घटा दें, a प्लस बी को ही रहने दें, तो ये प्लस बी बराबर हो जाएगा 17। अब इसका क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 AB, जो कि है 30 सेंटीमीटर। ए बी बराबर हो जाएगा, ये भगे है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर है 17, ए इंटू बी बराबर है 60। अब फिर से आपको सोचना है, अगर आप सोच के हल कर लेंगे तो एक बहुत बड़े प्रक्रिया से बच जाएंगे। बहुत बड़ा प्रक्रिया मतलब कि आपको यही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला पूरा एक बड़ा सा फार्मूला। सोचिए आप, अगर आप करेंगे 15 दुना के 30 होता है, इसको आप सोच सकते हैं 12 और 5 होगा। अगर आप 12 कर लें और 5 कर लें तो हो जाएगा आपका 12 5 60, और 12 और 5 17, यानी कि ए की वैल्यू या तो 12 होगी या तो 5 होगी। कुछ भी हो, अगर हम 12 मान लेते हैं तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब क्या हो गया
कि ए और बी का मान आ गया है। अब कह रहा है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या है, तो 5 है। बड़ा आसानी से आप हल कर लेंगे। लेकिन अगर आप ए प्लस बी के फार्मूला पे जाएंगे तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना होगा, ए माइनस बी बराबर है अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको आप हल करेंगे तब जाके अंतिम में कहीं आपको ए और बी का मान मिलेगा। 300 ग्राम चीनी के एक बिलियन में 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाई जाए कि बिलियन में चीनी 50% हो जाए। बड़ा आसान है, इस तरह का क्वेश्चन देखा जा चुका है। 300 ग्राम है, 40% चीनी है, तो 300 का 40% कितना होगा, 120 ग्राम, यानी कि 120 ग्राम इसमें चीनी है। पानी कितना हो जाएगा, 180 ग्राम क्या हो जाएगा, पानी। अब कह रहा है कि कितना चीनी मिलाया जाए कि चीनी 50% हो जाए, ठीक है, यानी कि जितना भी आप मिलाएंगे इसको आधा होना चाहिए, यानी कि जब ये आधा होगा तो ये भी तो आधा होगा। एक तरह से कहा गया है कि इसको आधा करिए, तो जब ये आधा होगा तो बाकी पानी भी तो आधा रहेगा, 50% ये तो 50% ये भी रहेगा, यानी कि 50% का ये 180 है, पानी को हम नहीं बढ़ा रहे हैं, यानी कि इसका दोगुना करेंगे तो कुल मिला के वो 360 ग्राम होना चाहिए। अभी फ़िलहाल चीनी है 120 ग्राम, 120 को पहुंचाना है 120 को पहुंचाना है कितना, 180, क्योंकि ये पूरा 360 ग्राम है तो इसका आधा 180 ही होगा, तो 60 इसमें हम ऐड करेंगे। आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन अभी पहले लगाया जा चुका है। एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि स्कूटर के मूल्य पर एक मोपेड के मूल्य से 4,200 रुपये अधिक है तो मोपेड का मूल्य बताइए। अब देखिए, इनका जो मूल्य होगा ये 9x होगा और ये 5x होगा, मतलब ये स्कूटर है और ये मोपेड है। अब कह रहा है कि इनका अंतर 4,200 रुपये है, लेकिन हम अगर अंतर देख रहे हैं तो ये तो 4x है। कहने का ये मतलब है कि 4x बराबर हो गया 4,200 रुपये। अब x बराबर हो गया क्या, ये होगा 1050, ठीक है। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये आ चुकी है, तो कह रहा है कि मोपेड का मूल्य बता दीजिए, तो 1050 में आपको मोपेड का मूल्य यानी कि 5 से गुणा कर देना है, ये हो जाएगा 5 और 2000 इतना, ये आपका सही उत्तर होगा। तो कितना आसान है ये क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार खेत का जो परिमाप है ये दे दिया गया है, इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, 5:12:13 देखने से आपके दिमाग में कुछ समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब है, तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि एक ट्रिपलेट है, मतलब कि इसके लिए जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा और यही 13 होगा। अब चाहे इसको आप 5 कर लीजिए, या फिर इसको 12, या फिर इसको 5 करिए, या फिर इसको 12, लेकिन 13 वाला तो यही रहेगा। अब जब इस तरह का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम करेंगे 1/2 5/12, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका कितना जो भी आएगा, लेकिन अभी हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। अब कह रहा है कि इसका परिमाप है 540, लेकिन हमको जो मिला है ये 13, 5 और 12 है, 12, 5, 17 और 13 हो जाएगा 30, यानी कि 30x बराबर है 540, x बराबर हो गया 18, ठीक है, यानी कि इसमें भी 18 से गुणा होगा, इसमें भी 18 से गुणा होगा और इसमें भी 18 से गुणा होगा। ये है भुजाओं की लंबाई, ये जो 5, 12 और 13 देख रहे थे आप, ये केवल अनुपात है। अब क्षेत्रफल वाला फार्मूला है, तो ये हो जाएगा 5×18, 12×18 और यही आपका उत्तर आ जाएगा। आप इसे हल करिएगा, आपका जो भी उत्तर होगा वही आपका आंसर होगा। एक पहिए की जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है, 792 सेंटीमीटर की दूरी तय करने पर उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो काफ़ी आसान है, क्योंकि जब त्रिज्या दिया गया है तो हम परिधि निकाल लेंगे, और परिधि बराबर होता है 2πr, यानी 2×22/7 और r का मान है 21, यानी कि इससे एक कट जाएगा 3 और ये हो गया 44, और 44 त्याई होता है 132, ये सेंटीमीटर है यानी कि सेंटीमीटर में। अब कुल मिला के 792 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करिए, 100 से गुणा कर देंगे और 132 से भाग।
अगर आप देखेंगे इससे भाग दे करके तो 13 छक्का 78 होता है और 2 छक्का 12, यानी कि ये इससे हो जाएगा 6 बार में, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 600। विकल्प देखकर कि भी आप 600 मार सकते थे, क्योंकि 13 छक्का 78 600 के आसपास में कोई विकल्प है तो ये कही है, आप इस तरह मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 930.25 के वर्गमूल में कौन सी सबसे छोटी भिन्न घटाई जाए जिससे कि प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या बन जाए, मतलब कि 930.25 के वर्गमूल में से क्या ऐसा घटाएंगे। तो पहले तो आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, चूंकि ये दशमलव में है तो कैसे निकलेगा, जब दशमलव में है तो इसका बस एक ही फार्मूला है कि आप भाग विधि लगाइए तभी कुछ हो सकता है। और चूंकि हम यहाँ से जोड़ा बनाते हैं, यानी कि 3 तिली के 9, ये हो गया 6 और ये हो गया 30, ठीक है। अब जब 30 आ गया तो कुछ नहीं होगा 30 में, क्योंकि अगर एक भी रखेंगे तो 61 हो जाएगा, 2 5 को उतार लेंगे और 2 संख्याएं आई हैं यानी 0 हो गया, और 5 यानी कि 5 यहाँ पर भी और 5 यहाँ पर भी, और 25 और 2 3 0, ठीक है ठीक है। आपका कितना आ गया, ये भी 30.5, ये आपका आ जाएगा 30.5, ठीक है। अब कह रहा है कि 30.5 में से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 30.5 में से इसी को घटा दीजिए, 0.5 को। 0.5 को क्या कहते हैं, 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, अगर आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो सब कुछ है। 5 सही 3/4, 4 सही 4/5, 7 सही 3/8 के योगफल में से कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि जो रिजल्ट है एक पूर्ण संख्या आ जाए। अब देखिए इस तरह में क्या करना होता है कि जो आपको नंबर दिए गए होते हैं उनको आप अलग जोड़ लीजिए और जो बाकी के चीज़ें उनको आप अलग जोड़ लीजिए, 3/4, 4/5 और 3/8, इनको जोड़ेंगे तो 7 4 11 5 16 हो गया। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो इन्हीं में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये 20 40 40 होगा और 40 होगा तो ये हो जाएगा आपका 30 और 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 47 77, यानी कि 16 × 77/40, यानी कि आप इसको अगर हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा लगभग लगभग 40 तो 40 ही रहेगा, इसमें से 40 को अगर हम करें तो एक अधिक जाएगा, क्योंकि 40 और 37 इसको अगर हम 40 + 37 तो लिख सकते हैं ना, तो 40 जाएगा यानी कि इसमें एक बढ़ेगा, यानी 17 सही 37/40 ये हो गया। अब इसमें से कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए, एक पूर्ण वर्ग आ जाए। तो इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो इस 37/40 को देखना होगा, यानी एक में से हम 37/40 को घटा देंगे और ये हो जाएगा आपका 3/40, यानी कि अगर हम 3/40 को जोड़ दें तो ये 40 हो जाएगा और ये आपका उत्तर 18 आ जाता, ठीक है, यानी कि आपका उत्तर होगा 3/40। 3 संख्याओं का योगफल है 392, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात दिया है तो संबंध 3, दूसरी का तीसरी से अनुपात दिया है 5 संबंध 8, तो आपको बता देना है कि तीसरी संख्या क्या होगी। 2 3 5 8, अब देखिए इसको आप चाहें तो इसे भी लगा सकते थे कि इन दोनों को बराबर करिए, यानी कि 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, 3 से इनमें गुणा करिए, तो 5 से करेंगे तो 10 15, 3 से इसमें करेंगे तो 15 और 8 3 24, यानी कि ए हो गया 10, बी हो गया 15 और सी हो गया 24, ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों का अनुपात 392 है, जोड़िए आप 10 15 25 और 25 में 24 जोड़ेंगे हो जाएगा 49, हमारा आ गया 49, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 392, 392 में आप भाग दीजिए 49 से तो 4 8 32 और 9 8 72, यानी कि हो जाएगा 8। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या बताइए, तीसरी संख्या है 24, तो 24 में आप इसी 8 का गुणा कर दीजिए, ये आपका उत्तर आ जाएगा 2 और इसके बाद से ये 19 192।
समझ में आया होगा हमने क्या किया कि पहले इस बी वाले को बराबर किया है, तो इनमें जो था ये एक है और ये दूसरा है, तो इनमें हमने 5 का गुणा कर दिया, इसमें 3 का गुणा कर दिया है, हो गया। तो इस तरह आप हल कर पाएंगे। मैथ का ये अंतिम क्वेश्चन है। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें। इसके जो पार्ट वाइज अगर आप सेक्शन देख रहे हैं तो बाकी के क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चाहें तो वहाँ जाकर एक फुल वाली वीडियो में भी इन सबको देख सकते हैं। तो देखिए इसको हल करना कोई उतना मुश्किल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 27 को आप लिख सकते हैं 3 का पावर 3x, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आप इसको देखेंगे तो 9 को 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 3 का पावर x, इसको ऊपर ले जाइए। जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये x माइनस हो जाएगा, यानी 3 का पावर 2 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का पावर 3x, 3 का पावर 2 माइनस x, बेस बराबर है, आधार बराबर हो जाएगा, 3x बराबर है 2 माइनस x। जब 2 माइनस x तो x इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4x, 4x बराबर है 2, यानी कि x बराबर हो गया 1/2। जब x बराबर 1/2 हो गया, क्वेश्चन में कहा गया है इस तरह, यानी कि 1/2 का 4, यानी कि हो जाएगा 1/1/16, और ये जो 16 नीचे आया है ये ऊपर चला जाएगा और यही आपका उत्तर होगा। इस क्वेश्चन में बस इतना ही समझना था कि अगर आधार बराबर है तो घातांक बराबर हो जाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ जो बाकी क्वेश्चन उनको देखने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।